दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अगर आपका सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, आपने अभी तक डेबिट कार्ड नहीं बनवाया है, तो अब आप एक टेलीफोन कॉल करके अपना डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ब्रांच में विजिट नहीं करना है, ना तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे सारा काम जो है आपका टेलीफोन कॉल से हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। हमारे इस चैनल पर बैंकिंग, फाइनेंस, लोन और क्रेडिट कार्ड से संबंधित वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती ही रहती है, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद एक टेलीफोन कॉल के माध्यम से आपके काफी सारे काम हो जाएंगे, जिनमें से सबसे मेन काम है एटीएम कार्ड को अप्लाई करने का, जो आपका ब्रांच में जाने के बाद ही अप्लाई होता था या फिर ऑनलाइन आप अप्लाई करते थे। अब जो है इस सर्विस की शुरुआत फोन कॉल से अब हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक जरूरी चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले SBI बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है, आपको पता ही है। इसमें यहाँ पे ब्रांचेस की बात करें तो 22,000 के आसपास SBI की ब्रांचेस हैं और 58,000 के आसपास इनके ATM हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आप जो है SBI ने कुछ सर्विसेज जो है यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, वहां पे आपको सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है, तो बैंकिंग ने अब बैंकिंग को और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बैंक वालों ने यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे बात करें SBI के ब्रांच में ग्राहकों का कितना नेटवर्क है, तो यहाँ पे जो लास्ट दिसंबर में रिपोर्ट आई थी उसमें 135 मिलियन के आसपास यहाँ पे SBI के ग्राहक हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे आप घर बैठे, यहाँ पे मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टोल फ्री नंबर डिस्प्ले कर देता हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको इसी टेलीफोन नंबर पे कॉल करना है और आपका यहाँ पे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ, घर बैठे कौन कौन सी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले ATM को बंद करना या चालू करना, तो यहाँ पे सबसे मेन काम यही होता है। अगर इनकेस आपका ATM गुम हो जाए तो आप यहाँ से इसे बंद कर सकते हैं। दूसरा काम, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस। यहाँ पे ये चीज तो नॉर्मल आपको पहले भी पता है, ATM का पिन या फिर ग्रीन पिन जनरेट करना। तो दोस्तों यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपका यहाँ पे ATM पिन भी जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे नए ATM कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अब टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी आपको ये फैसिलिटी दे दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी नंबर से आपको कॉल करना है और आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड जो है अप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो अधिकारी आपकी कॉल रिसीव करेंगे वो आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे आपके खाते से संबंधित। अगर आपने उनका सही जवाब दिया, आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन सही हुए, तो यहाँ पे खाते से संबंधित जानकारी ही पूछी जाएगी या फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा या फिर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर पूछा जा सकता है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी खाते की गोपनीयता के लिए है। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो आपका डेबिट कार्ड अप्लाई करने का रिक्वेस्ट फोन पे रिसीव कर लेंगे और आपका रिक्वेस्ट जो है वहां पे आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो आपका जो है डेबिट कार्ड 7 से 10 दिनों के बाद बड़ी आसानी से आपके घर में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यहां पे SBI बैंक ने इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट खोलने, वीडियो KYC के साथ खोलने की शुरुआत कर दी है। साथ में यहाँ पे ATM कार्ड को भी आप टेलीफोन कॉल के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बैंकिंग जो है कितनी सिक्योर हो रही है डे बाय डे, आपको काफी सारी सर्विसेज जो है घर बैठे ही आप देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसा लगा SBI बैंक का, तो अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा कि आपको ये नई सर्विस SBI की कैसी लगी है। इसके बाद SBI का नेटवर्क बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है, अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करिए, मुझे उसका आंसर देने में बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जाने से परहेज कीजिए अगर ना जरूरी हो तो। अगर आप
जितना ज्यादा बच सके बचिए और घर बैठे अपनी बैंकिंग की सर्विसेज का लाभ ले लीजिए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, जल्दी मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।